गाइस पिंकी ने इतना धोखा दे दिया, अब क्या करूंगा मैं ना, बस भगवान मेरा साथ रहे ना। मैं कॉलेज में ये सबके बक्कल पाड़ता है। कैसे कैसे ये फर्स्ट बेंचर्स है, हम दोनों लास्ट बेंचर्स हैं, और आप तो अकेले बेंच ही अलॉट नहीं हुई है कॉलेज में। अकेले तो बेंच ही नहीं है। सो हे गाइस, माय नेम इज शक्ति सिंह, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग विद द न्यू मॉर्निंग। सो गाइस, फिलहाल कैसा आज की मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है कॉलेज में, और गाइस आज मैंने थोड़ा ब्लॉग वगैरह लेट स्टार्ट करा। आज तो 11 बज रहे गाइस, और मेरे साथ आज गाइस बहुत बड़ा धोखा हो गया। मतलब कैसा है कि मेरा आज भी इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स के 3 पेपर होते हैं मेरे, तो आज मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था, और मैं भरोसा आया था पिंकी और निधि के, और वो दोनों अभी तक नहीं आए। कॉल किया मैंने कि भाई आओ पढ़ाओ मेरे को, तो बोला हम तो नहीं आ रहे। फिर निधि तो फोन ही सो घर पे, बोले भाई मेरे को तो नहीं आना, मैं नहीं आ रही, मेरी पढ़ाई नहीं हुई। इसका मन नहीं भर रहा जब तक इसे ब्लॉग में नहीं आ रहा। आज गाइस स्लाइस चिकन, पहले मैं चिकन खाता हूँ फिर उसके बाद आपको बता। गाइस तो मैं आपको बता रहा था पहले, हमें खाना आना भी होगा और पढ़ाई वढ़ाई भी होगी, एक नंबर। गाइस मैंने आज तो पहली बार, अभी तक का मेरा पहली बार, जितने भी एग्जाम्स हुए ना, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, जितने भी मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एकदम मत कर भाई यार, जितने भी एग्जाम्स है ना उन सबके पहली बार मैंने चारों के चारों यूनिट पढ़ के जा रहा। हर बार तो दो यूनिट, इतनी तो बहुत होगी, चार चार। और गाइस मेन आपको ये बता रहा हूँ, ये है अपना लौंडा असली, और ये भाई इसको स्टेट्स अभी 2 दिन बाद पढ़ाऊंगा। आप देखो गाइस, मैं आया था आज पिंकी के भरोसे। गाइस पिंकी ने इतना धोखा दे दिया, अब क्या करूँगा मैं। भाई वो आई नहीं आज, मैं कल निधि को कॉल किया, मैंने पढ़ा दूंगी मैं तो टेंशन क्लियर। भाई 10 बजे मैंने बोला कॉल करके पढ़ा दूंगी, हाँ पढ़ा दूंगी सुबह पढ़ा दूंगी, पर आई नहीं आज भाई। एंड मोमेंट पे लगे देखे भाई तू। गाइस लेट मी टेल यू, लड़की पे भरोसा नहीं करना, लड़के को पूछो, भले एक ही क्वेश्चन समझाएगा पर समझाएगा। इसका नहीं आता होगा, बट तुझे इसका इंग्लिश का पेपर है, इसलिए मेरे को कल एग्जाम। सही समझाया ना भाई, एकदम समझाई। गाइस मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो कॉलेज के अंदर कैसे कैसे लोग होते हैं। देखो एक वो देखो, ये फर्स्ट बेंच वाले आगे बैठे ना, ये दोनों आगे जो बैठे ना, ये दोनों फर्स्ट बेंचर जो सारे दिन पढ़ते रहते हैं, ठीक है। मना एक ये लड़का है जो सारे दिन पढ़ते रहते हैं, वो लड़कियाँ है ना गॉसिप गर्ल्स होती है, ठीक है। वो अनस और वो दोनों, वो टीचर बन रहा है और उसकी स्टूडेंट है, ठीक है। और इधर हम हैं, हम को सब कुछ भी नहीं आता होगा ना, तभी हम मजे तो भी सवाल टेंशन नहीं लेते। ये आ गया फर्स्ट बेंचर, ये देखो ये बनता फर्स्ट बेंचर, तो ये फर्स्ट बेंचर है, हम दोनों लास्ट बेंचर हैं, और आप तो कॉलेज बेंच ही नहीं है। मेरी तो बेंच ही नहीं है, इसके लिए बेंच ही अलॉट नहीं हुई है कॉलेज में, मेरे लिए तो बेंच ही नहीं है। बोले आप नहीं, आप जाओ, आप बाहर जाके सो गेस करो। वो बंदा जो है ना, वो पूरे दिन पढ़ाता रहता है, वो गॉसिप गर्ल थे। ये देखो ये तीनों फर्स्ट बेंचर्स लड़के, सारे दिन पढ़ के पता नहीं कितना ही। ये बंदा तो कॉलेज ही नहीं आता, ये बोले कॉलेज आके क्या करना, कॉलेज क्या करना यार। हम लोग सारे दिन या तो खेलते रहते या तो मजे, लाइफ एंजॉय, लाइफ एंजॉय करना। पढ़ाई क्या होती रही, महीने चार महीने पढ़ने का क्या मतलब, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो, एग्जाम के दिन खत्म। अब ये लोग पूरे साल पढ़ के, तेरी बात है, वो लोग पूरे साल पढ़ के 80% लाते हैं, क्या हम लोग एक दिन पढ़ के 70 लाते हैं, क्या क्या बड़े जिंदगी। और ये तो ब्लॉग से पैसा भी कमा रहे हैं। हाँ भाई नहीं आ रहे पैसा यार। गाइस नजर लग के पता नहीं किसकी पैसा ही नहीं आ रहा, कोई तो भी काला टीका करूं देखो गाइस, अगर आप पहले के सारे ब्लॉग्स एक एक करके देखोगे तो उसमें एक ब्लॉग में ऐसा मिलेगा कि जब इसने बोला था कि जो मोनिका इसके पैसे आएंगे उसके 50-50 होंगे, तो आप वो ऐसा कट करके इसको इंस्टा पे भेजना कि मुझे 50% चाहिए। कौन है ये, क्या चाहिए, अभी तो एक डॉलर भी नहीं बना, इनको पैसा अभी से चाहिए। सावधान इंडिया, सावधान रहे, सतर्क रहे। कॉल ये बंदा 2 यूनिट पढ़ के गया था और बोलता है भाई खतरनाक पेपर, चारों के चार लिख के, तो दूसरे दो में भी पहले के दो का लिख के, 2 यूनिट पढ़ के गया था और 4 यूनिट लिखा है, जो 2 पढ़ के गया था वो दूसरों में भी होगा वही लिखा है। मेरे को टेंशन लेने का ही नहीं, मजे में पढ़ देने का, क्या चक्का है। मेरे बाजू में एक बंदा बैठा है, प्रीति है ना, प्रीति करके एक लड़की है मेरी फ्रेंड, जानते हैं। तो वो इधर बैठी थी, मैं उसको पूछूं कि थर्ड नंबर का इसे बता दो, तो वो वहां से क्या करती, मैं इतनी दूर में कैसे सुनूंगा कि वो क्या बोल, कैसे ऐसे करके बता रही है। मैं बोला अरे हाथ से बता, सेकंड है थर्ड है, कोई टेंशन ना। मैम भी मेरे को देख के हंस रही है, बोले इनको सालों का कॉपी करना भी नहीं आता। गाइस अभी थोड़ी बता रहा हूं, पढ़ाई वढ़ाई करके देखते हैं, अपने मूड था नहीं, अपने को सब आता, सब आता भाई को, सब आता भाई साहब। अब ये इतना सब आ रहा ना, मेरे को ऐसा ना था कि मैं एग्जाम बजा के भूल जाऊँ, मेरे को कुछ याद ना, बस भगवान मेरा साथ रहे ना, जो मैंने पढ़ाया वो, और आपको अभी मिलता है थोड़ी देर में। हाँ गाइस, तो मेरे एग्जाम वगैरह हो चुके हैं, अभी मैं पेपर देके बाहर आ गया, और अभी मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम है, तो अभी मैं घर निकल रहा हूँ, अभी बाइक पे हूँ, मैं बाइक पे बैठे बैठे ब्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको जाता हूँ पहले रूम में, उसके बाद मिलते हैं आप। हाँ गाइस, तो फिलहाल टाइम हो रहा है रात का, अभी समथिंग एक मिनट, रात का टाइम हो रहा है अभी समथिंग 8 बज रहा है, 9 नहीं बज रहा, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है। देखो भाई
9 बज रहा है टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे और आज मेरे कॉलेज से आके व्लॉग शूट कराने मतलब एग्जाम खत्म करने के बाद भी मैंने व्लॉग शूट करानी डायरेक्ट रूम पे आके पढ़ाई चालू कर दी क्योंकि मेरे आज स्टैट्स का पेपर है स्टैटिस्टिक्स का पेपर है मेरा स्टैटिस्टिक्स का तो भाई मैंने मितांशु को बुलाया और देखो मैंने इसको बुलाया इसको समझाया मतलब मैंने एक मिनट को बात करता गाइस मेरा पेपर था तो इसको समझ में नहीं आ रहा था स्टैट्स के पेपर में उसको मैंने मेरे घर पे बुला के इसको पूरा समझाया मैंने पूरा स्टैटिस्टिक्स समझाया और अभी सोड़ा हो गया नहीं गाइस नहीं मजाक कर रहा हूँ गाइस मितांशु मैं ऐसे एग्जाम खत्म करके लाइब्रेरी बैठता हूँ और वहाँ पे जाके दूसरे दिन के पेपर का पढ़ता हूँ मैं जाके मस्त स्ट्रेच पढ़ रहा था एकदम डीप इसका फोन आता है अरे भाई कहाँ है मैं बोला लाइब्रेरी हूँ आ जाना बोला मैं नहीं आऊँगा तू पढ़ता नहीं अच्छे से तो इमोशनल ब्लैकमेल करता है बस ना भाई नहीं आएगा ना बोला आता हूँ खुद की एक्टिवा में पेट्रोल डलवा के वहाँ से यहाँ धक्का खाता हूँ इसको पढ़ाता हूँ दिमाग ख़राब करता हूँ वो बोलता है कि मेरे को सुना के मेरे को पढ़ाया सब कुछ करा इसने मेरे को इसका जूस वूस किए मेरा दिमाग ख़राब हुआ फिर भी मेरे को इसको देना पड़ रहा है ऐसा नहीं कि इतना दूर से भाई आया पढ़ाने अरोज क्या होता है कि अरोज ना कॉलेज में ये सबके बक्कल पाड़ता है बक्कल पाड़ता मतलब सबको बोलता है भाई नहीं खिला रहा ना भाई नहीं खिला रहा ना तो आज अरे मैं ऐसा कुछ नहीं मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ अरे दोस्त अरे तुम लोग ऐसे एक पार्टी नहीं दे सकते क्योंकि सब देखो जैसे वत्सल है वो फुटबॉल वुटबॉल में कैसा नेशनल नेशनल जा रहा है तो इसकी पार्टी तो बनती है कि नहीं बनती है तो बोल रहा है कि भाई इसमें क्या पार्टी ये वो ऐसा कुछ नहीं है ये डेली लोगों के बक्कल पाड़ता है तो आज मैंने इसके बक्कल पाड़ दिया आज मैंने इससे पार्टी ले ली और कैसे अभी कैसा कि पढ़ाई वढ़ाई सारी हो गई मेरी और अभी मैं जाऊँगा रूम पे और मेरे को ब्लॉग व्लॉग एंड करने का टाइम मिलेगा नहीं सो गाइस मैं यहीं पे मेरा ब्लॉग एंड करता हूँ सो गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो क्या करने का है कुछ मत करो आप लोग ब्लॉग देख क्यों रहे एग्जाम का पढ़ो एग्जाम का देखा इसकी बात में सुना लाइक ब्लॉग को लाइक करना लाइक शेयर करना लाइक करना करोगे नहीं करोगे चलेगा पर स्किप मत करना उससे क्या यूट्यूब का एल्गोरिदम हिल जाता है ये देखो इसको सही से रीच नहीं मिल पाता आजकल ये भी सीख रहे हैं मेरे साथ रह के यूट्यूब का एल्गोरिदम गाइस जब ये यूट्यूब में आया नहीं था ना तब से मैं ये सब पढ़ के बैठा हूँ ठीक है ये अरे जानते हो ना आप ये राजस्थान से वहाँ पे एजुकेशन पहुँचा नहीं है सो गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रेक माय सब्सक्राइब बटन बाय ठीक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए